वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर भारत सरकार के बढ़ते कदम, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य को लेकर देशभर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, वर्ष 2047 का लक्ष्य अभी से निर्धारित कार्य योजना पे कार्य प्रारंभ हुआ। दमोह जिला मुख्यालय पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने रखे विचार, चिंतन और मनन करने लोगों को किया मजबूर। वंदे मातरम। वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर भारत सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। लगातार प्रयास चल रहा है और कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्ष 2047 का लक्ष्य अभी से तय कर दिया गया है। जहां देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं वर्ष 2047 का लक्ष्य अभी से तय करके कार्य प्रारंभ करना निश्चित रूप से भारत सरकार की मंशा और दूरदर्शिता को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 का लक्ष्य अभी से तय करके कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। ऊर्जा का विकल्प और समाधान की दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2047 के लिए बिजली के लक्ष्य को लेकर कार्य प्रारंभ करने से सरकार की मंशा एवं दूरदर्शिता साफ दिखलाई देती है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के विषय को लेकर देश भर में आयोजन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NTPC जिला प्रशासन एवं विद्युत मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती की आराधना से किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यहाँ अपने वक्तव्य के दौरान उपस्थित विशाल जनसमूह को चिंतन मनन करने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर नागरिकों के भी क्या कर्तव्य हैं सरकार के साथ वह भी बताया। इस अवसर पर RB मलिक जो कि NTPC के अधिकारी हैं, उन्होंने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में विस्तार से बात रखी। तो वहीं प्रहलाद सिंह पटेल ने भी अपने वक्तव्य के दौरान अनेक बातें भारत सरकार की योजनाएं और मंशा दूरदर्शिता के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने आम जनमानस से भी आग्रह किया। इस अवसर पर हमने चर्चा की भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से, क्या कहना उनका, आइए। सभी जिलों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 इस थीम पर ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि बिजली हमारी आदत है, हमारी जरूरत है, लेकिन उत्पादन की उसकी सीमाएं। देश के सामने हमेशा ये बात कही जाती रही या थी 2015 के पहले कि हम बिजली में स्वावलंबी नहीं हैं। हम बिजली में स्वावलंबी ही नहीं, हम सरप्लस हैं। लेकिन अभी भी दुरुपयोग कहें या गलत आदतों के कारण उसका जो लॉसेज है, वो लॉसेज अभी भी बचे हुए हैं। चाहे वो ट्रांसमिशन लॉसेज हों, चाहे वो हमारे उपयोग करने में अनावश्यक तरीके से बिजली उपयोग करें। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। आने वाले 25 वर्ष का जो रोड मैप है, वो अकेले सरकार नहीं कर सकती, उसमें प्राइवेट और सरकारी सेक्टर नहीं,
सरकार नहीं, हम सबको मिलकर ये तय करना पड़ेगा। उत्पादन का काम सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे, लेकिन लॉसेस को रोकने के लिए हम समाज के लोग भी मिलकर काम करेंगे। दूसरी बात जो मुझे ज़रूरी लगती है वो ये लगती है कि हमें बैकअप पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजली कितने प्रकार से बनती है। पहले सर्वाधिक बनती है वो कोयले से बनती है। दुनिया ने जो तय किया था कि 40% गैर जीवाश्म से बिजली बननी चाहिए, 2030 तक का लक्ष्य हमने 2019 में प्राप्त कर लिया, तो ये तो हमने कर लिया। लेकिन अभी भी हमारी चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोयला हमारे पास इतना नहीं है जो 100 साल तक चल सके। पानी की एक लिमिटेशन है कि बांध में जब तक पानी होगा तब तक हमें बिजली मिलेगी, बांध में पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एटोनॉमिक एनर्जी तीन ऐसे रास्ते हैं जिस पर हमें आगे बढ़ना है, जिसमें सबसे सस्ता, सरल और जिसमें कोई खतरा नहीं, कम खर्चे का अगर कोई है तो वो सौर ऊर्जा है। इसमें भारत सरकार 30% देती है, राज्य सरकार 30% देती है, 30% बैंक लोन देता है, 10% भी पूंजी आपके पास है तो हमारा घर स्वावलंबी हो सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक्स्ट्रा होगा तो ग्रिड आपसे ले लेगा, आपका बिल जब ज़्यादा होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इन रास्तों पर चलना होगा कि उत्पादन भी हम बढ़ाएं लेकिन नुकसान को भी बढ़ाएं, यानी उपयोगिता भी कम हो, तो दोनों रास्तों पर हमें चलना चाहिए। एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य को लेके, आयोजन का प्रयोजन क्या था? नमस्कार, मैं आरपी मलिक, जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट एनटीपीसी गढ़रावर से इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार और अन्य प्रदेश सरकारों के द्वारा भारत के सभी 733 जिलों में और हर जिले में 2 स्थानों पर ये जो बिजली महोत्सव का कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। ये 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक सब जगह पर आयोजित किया जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा भी होगा कि इस प्रोग्राम में भारत सरकार के द्वारा और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा किए गए विभिन्न कार्य जो विद्युत क्षेत्र में किए गए हैं उन सब के तो सबके साथ साझा किया जाए, जिससे कि सबको ये भी पता लगे कि हाँ विद्युत क्षेत्र में भारत ने कितनी प्रगति की है। और इसके साथ साथ हमारा आगे का जो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2047 तक करने आगे जो योजना है उसके बारे में भी सबके साथ जो है इसको साझा करने की कोशिश की गई है। हम आज दमोह में ये अभी कार्यक्रम था और अभी उस समय के उपरांत ये दमोह के हाटा तहसील में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सबको ये भी बताता हूँ कि इसमें सभी जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, राज्य सरकार के उपक्रम हैं, ये पूरी तरह से जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उनके सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और देश की जनता तक अंतिम, हम जैसे कहते हैं समाज की अंतिम कड़ी में जो लोग बैठे हैं, जो इस इन सब योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उन सब के साथ भी साझा किया जाए और उनसे कुछ फीडबैक लिया जाए कि हाँ उनको इससे कैसे लाभ मिल रहा है। सर, वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो रही है, वैकल्पिक ऊर्जा में जैसे किसानों की बात हो रही है, घरेलू के लिए भी क्या है सोलर के, और कितनी उस पर सब्सिडी होगी, क्या योजना है? जैसे आपको पता है कि जो भी घरेलू जो ऊर्जा का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए जो रूफ टॉप सोलर प्लांट है उनको लगाने के लिए सुविधा दी जा रही है। उसमें ये भी दिया जा रहा है कि आप उसके बिजली का प्रोडक्शन करें और जो अपने आप खपत करेंगे वो खपत होगी, बाकी खपत को आप ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं जो आपके बिल से माइनस हो जाएगा। और सरकार और दूसरे कार्यक्रम चला रही है, सोलर पंप के माध्यम से सोलर पंप प्रोवाइड कर रही है उन सब से भी। और जो बाकी हम हाइड्रो पे भी देश में काफ़ी काम हो रहा है, हाइड्रो सेक्टर में भी, न्यूक्लियर में भी हो रहा है, बट जो सोलर का काम है सोलर को बहुत आगे तक बढ़ाना है। ये भारत सरकार का इवन ग्लोबल स्केल पे भी एक कमिटमेंट है कि हम कार्बन न्यूट्रल, यानी कि हम कोई कार्बन को क्लाइमेट जो है कोई भी दूषित ना हो उस सब को ध्यान रखते हुए इसमें हम थर्मल को कम करते जाएंगे और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से बनती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उपस्थित भव्य कार्यक्रम के दौरान जहां गणमान्य अतिथियों की, नागरिकों की उपस्थिति थी, अनेक नेता उपस्थित थे मंच पर, जिला प्रशासन, विद्युत मंडल, एनटीपीसी के अधिकारी उपस्थित थे, तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी संदेश दिया गया, लघु फिल्में भी दिखाई गई और माँ वीणा पाणी की आराधना मंच से